एकीकृत पारा शिक्षक संघ धनवार इकाई ने खुद के द्वारा बनाई गई भविष्य निधि से दिवंगत पारा शिक्षक के परिवार वालों को दिया 59,000 रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, सरकार करे पारा शिक्षकों के भविष्य निधि प्रावधान, नहीं तो पारा शिक्षक करेंगे पुरजोर आंदोलन। धनवार प्रखंड क्षेत्र के भलू टांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पारा शिक्षक उपेंद्र शर्मा की बीते दिनों हुई आकस्मिक मृत्यु से पारा शिक्षक संघ आहत थे। इस दुख की घड़ी में अपने पारा शिक्षक की मौत के बाद उसके आश्रितों को कैसे मदद की जाए, इसके लिए वो चिंतित थे। तब धनवार पारा शिक्षक संघ ने आपसी चंदा कर एक भविष्य निधि फंड बनाया, जिसमें सभी पारा शिक्षक एक निश्चित राशि जमा करते हैं। इसी फंड से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई। मदद की राशि मिलते ही शोकाकुल परिवार भावुक होकर इस पहल से सरकार को सीख लेने की बात कहते हुए धनवार पारा शिक्षक संघ का ऋणी रहने की बात कही। मौके पर एकीकृत पारा शिक्षक संघ धनवार प्रखंड सचिव नित्यानंद पांडे ने कहा कि हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि पारा शिक्षक की मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसा नियमावली बनाए जिससे उनके परिवार वालों को कुछ सहायता मिल सके। वही पारा शिक्षक पवन कुमार ने कहा कि आज 18 वर्षों से पारा शिक्षक गांव-गांव में बच्चों को गुणवंत शिक्षा देने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस 18 वर्षों में कोई भी सरकार नियमावली व कल्याण कोष का गठन नहीं कर पाया है। हमारे प्रखंड कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने पर कल्याण कोष का गठन कर मासिक रूप से पारा शिक्षक सहयोग राशि जमा करते हैं। उसी सहयोग राशि से दिवंगत परिवार को सहयोग किया गया। झारखंड सरकार ने नियमावली बनाई है जिसमें मृतक के परिवार को 1,00,000 देने का प्रावधान किया है। हम प्रशासन व सरकार से मांग करते हैं कि वह एक मुस्त राशि मृतक के परिवार वालों को मिले। पूरे झारखंड में 18 वर्षों से पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लगातार आंदोलन कर रही है और गांव ग्राम में बच्चों को गुणवत्त शिक्षा देने में सहयोग कर रही है। फिर भी आज 18 वर्षों के दौरान हमारी सरकार, कोई भी सरकार, चाहे वह बीजेपी की हो चाहे जेएमएम की सरकार, आज तक कोई नियमावली या फिर कल्याण कोष का गठन नहीं कर पाई। हमारे प्रखंड कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने पर अगस्त माह में हमारे प्रखंड के द्वारा एक कल्याण कोष का गठन किया गया, जिसमें मासिक रूप से सभी पारा शिक्षक सहयोग करते हैं। उसी सहयोग राशि से आज हमने इस मृतक परिवार को कुछ सहयोग किया। इसके पूर्व भी हम लोगों ने कुमार रविदास नावागढ़ के पारा शिक्षक को भी एक मुस्त राशि सहयोग की थी। दूसरी बात, आज जो सरकार है उससे हमारी मांग है कि उन्होंने एक नियमावली बनाई है कि मृतक परिवार को, सभी मृतक परिवार को 1,00,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। हम तत्काल प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि वह एक मुस्त राशि जो मृतक परिवार को मिलना है वह सरकार की ओर से इन्हें, हमारे आश्रित परिवार को अवश्य रूप से मिले। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा इकाई धनवार की ओर से सभी पारा शिक्षकों के सहयोग से पीड़ित परिवार को हम लोग 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का घोषणा किए हैं। हम लोग सभी 18 वर्षों से सरकार के तमाम कार्यों में बढ़ चढ़ के कार्य का संपादन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों को मृत्यु के पश्चात कोई सहायता राशि दिया नहीं जा रहा है। लेकिन धनवार प्रखंड के तमाम पारा शिक्षकों ने अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के बाद आज पीड़ित परिवार को हम लोग 50,000 रुपये एक मुफ्त राशि दे रहे हैं, और भी उनके जो भी हितैषी साथी थे उनके द्वारा 9,000 रुपये की सहयोग राशि, कुल मिला के 59,000 रुपये अपने दिवंगत साथी उपेंद्र जी को आर्थिक सहायता हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग इनके परिवार के लिए ईश्वर से सुख शांति के लिए कामना करते हैं कि इस परिवार को दुख सहने की शांति ईश्वर आप ये प्रदान करें। इस दुखद बेला की घड़ी में उपेंद्र शर्मा की मृत्यु के पश्चात आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की रवैया का व्यवस्था करके हमारी सरकार को आप चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे गुरुजनों के प्रति हमारी सरकार की भी नज़र होनी चाहिए, बगल की सरकार बिहार सरकार का भी नज़रअंदाज करना चाहिए हमारी सरकार को। लेकिन क्या जाने क्यों भी इस तरह की रवैया अपनाई हुई है। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं, और इनके नन्हे मुन्हे बच्चे, एक बच्ची और दो बच्चे जो बिछोड़ के चले गए हमारे भाई,
आप लोग इसकी दुखद बेला जो सहयोग किए हैं बहुत ही आभारी है पूरे परिवार इनका बच्चा बच्ची भगवान करे आप लोगों को आप लोगों की इच्छा को प्रबल बनाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट वी टाइम न्यूज राजधनवार।